ज्योतिष कहता है कि शनि मारक हो तो बच सकते हैं, बृहस्पति मारक हो तो बचना बड़ा कठिन होता है। फिर भी बृहस्पति मारक होता कहां है? मिथुन लग्न, कन्या लग्न और कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति मारक होता है। अगर बृहस्पति की मारक दशा चले, कैंसर होगा, लीवर की बीमारियां होंगी, मोटापे से होने वाली तमाम बीमारियां बृहस्पति की मारक दशा में होंगी। अगर बृहस्पति की मारक दशा चल रही है तो इससे निपटने के लिए बृहस्पति वार का व्रत रखना शुरू करिए। सोना धारण करना और पीली चीजों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। बृहस्पति वार को चने की दाल का या केले का दान करिए और अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करिए। शिव की गुरु के रूप में अगर आप पूजा करें तो बृहस्पति की मारक दशा से बच जाएंगे। महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का जप करिए। रोज सुबह के समय 3 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति का मारक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। शुक्र कहां कहां मारक होता है? मेष लग्न और वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र की दशा मारक दशा होती है। अगर शुक्र की मारक दशा चल रही है, यूरिन की, किडनी की, डायबिटीज की, आंखों की बीमारियां हो सकती हैं। अगर शुक्र की मारक दशा है तो शुक्रवार को शिवलिंग पर इत्र और जल अर्पित करें। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें। हीरा भूल कर भी धारण ना करें। अगर शुक्र की मारक दशा है और आपने हीरा पहन लिया, आप मुश्किल में आएंगे। रोज सुबह और शाम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। वैसे ऐसा देखा गया है कि शुक्र की मारक दशा चले तो माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ अगर की जाए तो शुक्र की मारक दशा में राहत मिलती है, मारक दशा से छुटकारा मिलता है। तो अगर शुक्र की मारक दशा चल रही है तो माता लक्ष्मी की पूजा करें भगवान शिव के साथ, बहुत ही बढ़िया होगा। कहा जाता है कि अगर कोई ग्रह मारक फल ना दे रहा हो तो शनि अपनी दशा में मारक फल देगा अगर उम्र पूरी हो गई है। यानी शनि नेचुरली मार्केश है, इसके पास मारक क्षमता सबसे ज्यादा है और स्वभावतः इसका गुण अशुभता वाला है। फिर भी किन के लिए मार्केश होता है? कर्क लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न के लिए शनि परफेक्ट मारक है। अपनी दशांतर दशा में मारक फल देगा। अगर शनि की दशांतर दशा चल रही है और शनि मारक है तो ऐसी स्थिति में नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सूर्य देव के सामने 1 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। हर शनिवार को छाया दान करिए। एक पात्र में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल का दान कर दें। इसको छाया दान कहते हैं। हर शनिवार को अपने सर से वार करके पशु को रोटी खिलाइए। शनि की अगर मारक दशा हो तो मूंगा पहनने से चमत्कारी फायदा होता है। परामर्श लेकर मूंगा धारण करिए। और शनि की मारक दशा में सुबह और शाम दोनों समय 3-3 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम,
उर्वारुक में वो बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। तीन तीन माला महामृत्युंजय मंत्र का जप सुबह शाम रेगुलरली करिएगा। और शनि की छोटी सी भी दशा हो, लेकिन अगर आपके लिए शनि मारक हो, तो सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत उसी समय में है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।